हरियाणा के छोरे लगातार दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। कभी खेलों में हरियाणा का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर हरियाणा के चरखी दादरी के मूल निवासी अनुराग ने एनडीए की परीक्षा में देश भर में टॉप कर हरियाणा का नाम रोशन किया है। दरअसल अनुराग अपने परिवार के साथ 2005 में गुरुग्राम में शिफ्ट हो गया था और गुरुग्राम में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अनुराग ने 12वीं के एग्जाम दिए हुए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। इसी बीच अनुराग को प्रेरणा देश के शहीद और गांव के फौजियों से ऐसी मिली कि उसने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एनडीए की परीक्षा दी और परीक्षा का परिणाम देशभक्ति और सेना का जुनून ऐसा रहा कि भारतवर्ष में एनडीए परीक्षा में अनुराग सांगवान ने टॉप कर दिखाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा के छोरे किसी से कम नहीं है। अब अनुराग को लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं अनुराग ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अपने आप को देश की आर्मी के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। मैंने एनडीए में AIR 1 में लिया। मुझे अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था इसमें मेरे गुरुजनों का, मेरे दोस्तों का और मेरे परिवार का बहुत अहम हिस्सा था। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है और मेहनत ही वह सफलता का सूत्र है जिससे सब कुछ हासिल हो सके। मेरी पहली प्राथमिकता इंडियन आर्मी की है क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन आर्मी भरी थी और सेकेंड प्रेफरेंस एयरफोर्स। ऐसा आज सच कुछ नहीं होता है और एज अ फौजी अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो देश के जवान को कहीं भी भेज दिया जाए, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। सफलता और देशभक्ति के जुनून को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अनुराग और उसके परिवार से फोन पर बात की और बधाई दी। साथ साथ हरियाणा के विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम राजनेताओं ने भी अनुराग और उसके परिवार को बधाई दी है। हाँ, पोते पर हमें बड़ा गर्व है और 14-15 घंटे लगातार मेहनत की है उसने। राम राम। उसने बोला बेटा तू बड़ा अफसर बनेगा। हाँ, आर्मी के लिए अप्लाई करा था उसने शुरू और आर्मी वो जाएगा। बचपन से ही मुझे यानी मौका मिलेगा तो मैं बॉर्डर पर जाऊंगा, सबसे पहले देश की सेवा करूंगा और हर हालत में मन ने परिवार की चिंता नहीं, मन ने सबसे पहले देश की चिंता है, ये उसके मन के अंदर मनोभाव थे। खुशी का ठिकाना नहीं। हाँ जी, बहुत अधिक गर्व है, ऐसा सभी को दे भगवान। वो बस उसका यही उद्देश्य था भाई, पढ़ाई करना, बीच में कोई वो नहीं, यही रहता। उसे ही बचपन से ही है, वो छोटा है बच्चा ही लग गया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ, वो घुल मिल के रहता, हमेशा तैयार रहता, बोल आवाज़ के साथ खड़ा रहता। उसको तो पढ़ाई तो हमेशा 24 घंटा लगा ही रहे, जबरदस्ती उसको बंद किया करता, भाई थोड़ा हो रेस्ट कर ले, चाय पानी पी ले, नाश्ता वगैरह कर ले, नहीं तो लगा ही रहे उसने। नहीं वो करा था कि मैं एक दिन बड़ा अफसर बन दिखाऊंगा दादाजी को सपना। वहीं अनुराग के दादाजी और दादी की माने तो आज अनुराग की वजह से उनका नाम रोशन हुआ है और उनका सपना था कि उनका पोता देश की सेवा करे, आज उनका सपना साकार हो गया। अनुराग के दादा और दादी की माने तो अनुराग बचपन से ही बेहद होनहार था और पढ़ने में काफी होशियार रहा है। वहीं अनुराग की सफलता के बाद जहां पूरे परिवार में खुशी है, वहीं देशवासी भी अनुराग की सफलता से बेहद खुश हैं, क्योंकि हरियाणा के छोरे ने एक बार फिर भारतवर्ष में अपना डंका बजाकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। टोटल न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।